ना जब तीन दिन रह जा में नोते के तब तो घरे जे तो मालूम है ही के जे जान गई ना बिगड़ गई है तो चार दिना जब रहने जा और तब कही जावे कि सुनतना तुम्हें कपड़ा महले है गए धोई दू पीठ पे महलो है गोला ने हाथ मार दू रोटी ठंडी है गई है गर्म कर लो समझ लो खतरा है और तब कही जावे कि तुम्हारी सब का भैया चांद मारे हो तुम कही दो तो चली जाओ ऐसे ही सती नहीं मानी और आज बिना बुलाए गई हैं तो जिस समय पिता के घर पर पहुंची हैं हालत क्या था पिता गिर है जब गई भवानी दक्ष के वैसे किसी ने सम्मान नहीं किया मेहतारी जरूर मिली और बहने तो मुस्का मुस्का के मिली है कि देख जागु नौ तो नाउ तो हुआ है और जिसमें सती ने अपने पति का निरादर देखा है सम्मान अब और उस समय अपने पिता के सामने जाकर के खड़ी हुई और तब की पिताजी मेरे पति का स्थान कहां यज्ञ में लेकिन दक्षिणु जी ने ही सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो थोड़ो सो प्रसाद जो खा जा गई पर नहीं माने आसन से उठ करके खड़े हुए और भरे समान में अपनी बेटी की तौहीन कर दी क्या बोले ललई क्यों बिना बुलाई आई ललई क्यों बिना बुलाई साफ लगा दिया तो उस समय सती बोली है कि पिताजी तुमने तो साफ दो उन्हें और अब मैं साफ दे रही हूं तो क्या बोली है सती क्रोध में अरे होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी यज्ञ सब त्यारी और अन्न भंग है दारी नदी क्यों बिना बुलाई
सांप देखकर के कर्म क्या करती थी? अरे योग की अग्नि जली भी तरते, जली भी तरते और तीनों बदन जराई लली को बिना पति का निरादर स्वीकार नहीं किया। और जब वे दोनों गण लौट के पहुंचे तब भोलेनाथ ने कहा कि सती कहां है? मारा सती तो चल के भस्म हो गई, तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया उन्होंने। भोलेनाथ रोए, आंखों में आंसू भर गए कि सती मैंने तुमसे कितनी बार मना की कि मत लाओ, बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं होगा, लेकिन तुमने नहीं मानी। उसी समय दोनों गणों से कहा कि कछु कही गई है। हाँ महाराज कही गई है। राजा दक्ष से यह कहा कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा अंग भंग होगा। इतना सांप देखकर के तब काया जलाई है उन्होंने। तो आज भोलेनाथ को क्रोध आया है और क्रोध आते ही कर्म कौन सा किया भोलेनाथ ने? कैसे? अरे जब बैठी कहे सभ्यता के दायरे में रहो, ताते हम तुम्हारी नाम बड़ी करें, समझ गए? और हाथ में तलवार लगी हुई थी।